मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर और बने रहिएगा आगे तक क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। ठीक है, तो ये वी गो। तो यहाँ पे ये अपने दोस्त का फ्रेंड का वेट करते हुए आगे हम पहुंच चुके हैं फन वैली और हमारे साथ आए हैं कौन कौन बता दो इनको तो आप देख रहे होंगे पूरम दीदी की शादी में तभी चलते हैं अंदर। प्रैंक हो गया प्रैंक। 900 रुपए पर हेड। 500 रुपए तो उसका थी 900 रुपए पर हेड। उसमें भी इनके पास कोई सिक्योरिटी वगैरह की वो अलग अलग से ले रहे हैं उसका भी अलग ले रहे हैं। एकदम खत्म है बकवास। अंदर जाके पता चलेगा तो लोग इनके रेट देख के भग जाते होंगे इतना। अगर उस लायक हो गए नहीं ना पार का भी देख गाली बकूंगी नहीं प्लीज़। ऐसा अम्यूजिंग पार्क के नाम पे तो इस कैब ना कर दे हमारे साथ। नौ सौ रुपये पानी में गए छपैक बोला है। 900 का हमने टिकट लिया उसके बाद 300 का लॉकर लिया हमने फिर उसके बाद 200 के कपड़े भी लिए हमने। साले क्या है ये और इतना खंडर से ऐसे उसमें एकदम बकवास। तो लूट रही की स्कीम है। मैं यहीं काम कर रही थी दीदी आपने नर्सिंग छोड़ दी यहीं आते हैं। अगर हम चप्पल भी लेते ना उसके भी पैसे ही लगते हैं। आप नर्सिंग हाँ यार चप्पल को ले पानी में चप्पल पहन के जाएंगे क्या नर्सिंग छोड़ के यहीं काम कर लेते हमें मन लेगा। और यहाँ पे स्टाफ तो बिल्कुल है नहीं ये तो हमसे भी ज़्यादा बुरी हालत है स्टाफ की कमी। मैं सरकारी हॉस्टल के बाथरूम में घुस चुकी हूँ यहाँ देखो इससे अच्छा तो बैंक हमारे और नर्सिंग वाला हॉस्टल है। देख गॉड शीशे लगा के मात्र ये भाई क्या खंडर है रात में तो भूल पिचास तो पक्का आते होंगे इधर। यहाँ से तो कोई किसी की वीडियो लीक हो जाएगी यहाँ से कपड़े बदलते हुए किसी की वीडियो लीक हो जाएगी। दोबारा से बोलना पड़ेगा ये व्लॉग वाला है। तो गाइस ये रहा हमारा लॉकर। किसने लॉकर नहीं लिया हमने लोगों से बात करके देख लिया हम भी पागल थे जिसने लॉकर कपड़े सब ले लिए। कपड़े देखो ये पिंकी का ये देखो कच्चे सब खाली लोग लॉकर पड़े हुए बस हम ही थे वो ज्यादा अमीर बन रहे थे। तो गाइस अभी ऊपर वाले चलते ना इसमें चलेंगे पानी में पहले अम्यूजिंग पार्क में। तो चलो गाइस पहले हम अम्यूजिंग पार्क में चलेंगे तो चलो इसी में चलो पहले। तो गाइस हम आ रही नहा चुके हैं और सब फोटो खिंचा रहे हमने और इतना सुंदर लग रहा है पूरे स्विमिंग पूल में हम ही हम है। बेसिकली यहाँ का स्विमिंग पूल ये रहा ये अडल्ट के लिए और ये बच्चों के लिए। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद अब हम जा रहे हैं अम्यूजिंग पार्क। अब देखते हैं ओ उससे पहले इसमें चलते हैं। वाह आपने देखा आपने ये चुड़ैलों का होता है चुड़ैलों का। गाइस अभी वाटर पार्क की तरफ जाते हुए ओहो दिखने में तो सही लग रहा है पर पैसे देखेंगे यहाँ सच में कोई नहीं आता इसीलिए कोई नहीं नायलॉन के कपड़े पहन के बोल रहा था ये कौन सा नायलॉन का कपड़ा होता है भाई। वाह क्या सीन है इस स्लाइड में जाने वाले हैं अब हम बहुत मजा आने वाला है। चलो मंजिल हमारे आंखों के सामने ऐसा हमने खाली इंस्टाग्राम पे देखा था अब हकीकत में देख रहे पर ये थोड़ी सस्ती रियलिटी है। भाई मुझे बहुत भयंकर डर लग रहा है सच बताऊं तो बहुत ज्यादा बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है यार अपनी डर लग रही है। मैं बैठने के लिए जा रही हूँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है यार मेरा फोन क्यों जाएगा प्लीज मेरा फोन टूटा पहले आईफोन की टेस्टिंग है पागल। मैं तो
ये भी इस लेजर लाइट को पार करेगी, देखना जरा। तो गाइस अब इसमें चलेंगे हम। राइड है कितनी भयंकर, ये फन वैली असली। प्रियांशी ने की प्रोफेशनल स्विमर भी है, ये कूद के बताएगी ऊंचा। देख सकते हैं मरी भी लाश पानी में तैर रही है। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी गाइस, मैं बहुत लुंगाड़ी सी हूँ। ये लोग सच में वहां से कूदने की सोच रहे हैं, ये मेरे बाल क्या हो रहे हैं। ये लोग सच में वहां जा रहे हैं, उतनी दूर जाकर रास्ता ही तुम देखो, पांचवी मंजिल पे जा रहे हैं इस राइड पे जाने के लिए। ओ माय गॉड, मजा आने वाला है। मैं भी चल लेती हूँ, मौत का खेल खेल ही लेती हूँ। वहाँ से राइड करने वाले हम यहाँ नीचे। इसके लिए ना जिगरा होना चाहिए, ठीक है, जो आप लोगों के पास नहीं। गाइस ये भैया ऐसे लेट के जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा रही हर चुप्रो। ये जाएंगे दिखाएंगे तब मैं जाऊंगी। यहाँ देखो ये भैया बोल रहे उल्टा, कैसे जाना भैया इसमें उल्टा जाने वाले उल्टा। भाई मैं तो सीधे जाने में इतना डर लग रही थी। मैं नहीं जा रही, ना मेरी फट रही है, मैं नहीं जा रही। ब्यूटी हो रही है, मैं तो नहीं जा रही सच में। वो भी लेट के एक बारी को ऐसे में जाने के लिए मैं चली जाती, पर लेट के हाउ कैन दिस पॉसिबल यार। वो तो भैया पहले आप जाके दिखाओ एक बारी, जाना ना पहले आप जाके दिखाओ। प्लीज आओ मेरे बल्ले के, आप जाओ मेरा पैसा वसूल कर दो प्लीज। यहाँ देखो आपको कहाँ से आ गई इतनी हिम्मत, ये जा रही है। सोना की बारी है, प्लीज जा लेना, एक्सपीरियंस तो करेंगे। और भाई वो भी चला गया, अब जाना तू भी जा। यार मैं फट रही है मेरी, जाना जा बार बार आओगी बस तुम, जा जा जा। सुनो भाई ऑल द बेस्ट, दीदी आप भी जा रहे क्या? जा 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 जा। Yeah.
गई, फिर आगे जाके रुक गई। करके ये सब तो चले गए, अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो फोन भी है और मैं क्या करूँ? पकड़ लेना, पकड़ लेना। दीदी क्या होगा, दीदी मैं कैसे होंगी, मेरा तो अपना ध्यान लग रहा। तो गाइस मेरी भी बारी आ चुकी थी वो वाले और मैंने ना अपना फोन भैया को पकड़ाया था। मैं आपको बता रही हूँ इतनी ज्यादा हाई लेवल की मेरी वाली में नजर तो मार, नजर तो मार ब्लू वाले में चलते। और अब मैं इस डोनट वाले में जा रही हूँ, पर मैं अपना वो बना नहीं पाई क्योंकि ये सब तो चीज़ों पहले चले गए थे। मेरा कौन बनाता, आपका एक्सपीरियंस कैसे था? ये तो बीच में रुक गई थी, ये आधे घंटे तक रुक गई, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकी। और इतनी भयंकर माँ का सब, मैं अभी भी सोच रही हूँ ना, मुझे थोड़ा वो हो रहा है। जाएंगे ये थोड़ा सा गोल राउंड राउंड करके जाएगा, तो इसमें जाएंगे हम, ठीक है? तो चलो चलते हैं। गाइस ये फोन अब मुझे ही ले जाना पड़ेगा, आप वो मैं कैसे ले जाऊंगी, अब वो मुझे भी नहीं मालूम। साली को मैंने जाने से पहले गिरता हूँ। चलो अब हम चारों तरफ से जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपको नीचे, अभी राइट की वीडियो बना दूंगी मैं, ठीक है? कितना सुनना चली, सुनना चली। अरे यार उसकी तो बैंक का हालत खराब हो गई। गाइस हो गई, बाय बाय टाटा, सी यू। राइड भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, मैंने भी करी। मैं अनफॉर्चुनेटली आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत डाउन है। अभी मैं जाके लॉकर में दूसरा फ़ोन निकाल के ला रही हूँ, और सच्ची मैं ऐसे पकड़ूंगी ना तो मैं गिर जाऊँगी क्योंकि दोनों हाथों से मुझे वो पकड़ना पड़ता है ना, ये जो है क्या बोलते थे पाइप, क्या बोलते थे, ट्यूब को पकड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तो उसे बिल्कुल छोड़ा नहीं, इसीलिए मैं बिल्कुल गिरी नहीं। बहुत मज़ा आई दोबारा जाती हूँ मैं इसी में। तो चलो अभी मैं लॉकर से दूसरा फ़ोन निकाल रही हूँ। एक्सपीरियंस भी पूछ लेती हूँ, कैसा लगा? मैंने इसमें दोबारा गई, ये इस वाले में दोबारा गई, बड़े वाले में झिंगन का कहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था इसमें? तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? किरण तू तो उल्टी हो गई थी, मैं तो साला ऐसे ऐसे हो रहे थे इस वाले में भी, देखा तूने? दोबारा आई हूँ लॉकर से दूसरा फोन निकालने, और इतने में मैं सो भी गई जब तक मैं वहाँ से ही आई। देखो मैं थोड़ा सनस्क्रीन भी लगा लेती हूँ, और निकाल लिया मैंने परिषद दीदी वाला फ़ोन, और अभी न्यू अमेजिंग पार्क में न्यू वो भी रेल भी अभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो अब हम रेल में आएंगे कुछ समय बाद। अब मैं थोड़ा एक दो राइड हॉल लेके आती हूँ, तक ले बाई। दीदी लोग तो इधर बैठ रहे हैं, और सुन ना पता नहीं दोबारा से वहाँ चली गई राइड करने के लिए, वो बोरी की मैम, इसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है राइड करने में। This is the canteen. Looks like what a canteen, guys. What a canteen. और हमने ऑर्डर किया है बर्गर और आलू का पराठा और हॉट कॉफी, ठीक है? और हम गीले हो गए आ रहे हैं, बाकी सब स्टैंडर्ड लोग बैठे हैं। तो गाइस यहाँ पे लोग घर से भी खाना लेके आ रहे हैं, और हम जैसे महान लोग यहाँ पे भी इतने पैसे फूकने के बाद हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा है। और इतना मतलब पानी में जाके इतना भूख लगती है। दीदी का बर्गर तो आ गया, हम तो उन्होंने पराठे मंगा रखे हैं। गाइस 80 रुपए का बर्गर है ये, 80 रुपए का बर्गर, चप्पी नहीं है जिसमें। यहाँ पे आ चुका है हमारा पराठा, किस्तों में आ रहा है जो, अभी कॉफी नहीं आई है। और ये अभी हमने पराठा मंगाया, ये कितने का था? 80 रुपए का पराठा, 80 का बर्गर, और एक पराठा 80 रुपए का, और कॉफी का ऑर्डर आ गया। चलो कॉफ़ी का ऑर्डर भी ले लेते हैं, और जो कॉफ़ी है वो है ना 50 रुपी ईच कॉफ़ी है। तो मैं आपको कॉस्ट भी बता देती हूँ ना, फिर आप लोग जो प्लान कर रहे होंगे यहाँ आने का, तो आप इजीली मतलब बजट बना के आ सकते हो। मैं आपको बता अराउंड मतलब एक पर हेड पे आपके 2000 रुपये लग जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 900 रुपये आपकी एंट्री फ़ीस होगी। फिर अगर आप कपड़े लॉकर ये लेते हो, वैसे तो मत लेना हमने तो ले लिया। और फिर अगर आपको खाना है तो खाने का भी इतना ही पड़ता। आफ्टर लंच ब्रेक हम दोबारा से वेव वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वेव में जाने के बाद हम दोबारा से उस वाले अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे, क्योंकि वहाँ सारे झूले हैं। जो झूले हम मेले में 150 देके झूलते थे, अब वो हम यहाँ पे फ्री में झूलने वाले हैं। तो गाइस देरी किस बात की है, तो अभी 3 बजने वाले हैं और हम वेव का इंतज़ार कर रहे हैं। हम आ गए थे 1 बजे, आ गए थे ना 1 बजे, 11:30 बजे आ गए। हम 11:30 बजे से यहीं मंडरा रहे हैं, ओ ठंडा। हम गाइस सर दोबारा से वेव स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखो सब लोग आ गए इधर वेव पे खेलने के लिए।
अभी आप वेब में वाइप करने वाली हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ जा रही है ये वेब तो बड़ी खतरनाक है जी उस पानी में तो मेरा रंग ही उड़ा दिया गाइस मेरे तो जेंडर ही बदल लिया मेरे बाल सब बदल लिए और मैडम लग गया खतरनाक लेडीज टॉयलेट में यहाँ पे फोटो खींच लेते हैं और ये हमारी मंजिल वहाँ जाएंगे हम सारी राइड करेंगे हम पहले उसमें जाएंगे ना एक्साइटेड चलो आगे हम ये खेलने के लिए ये बैठ गए हम कौन सी गाड़ी बैठे ये वाली में तो चलो गाइस आज मैं गाड़ी चलाने का सपना भी पूरा कर लेती हूँ अच्छा हमको खुद चलानी पड़ेगी ये भाई इसको चलाते हैं ऐसे माय गॉड ये तो खुद से चल रही हूँ चलो आज मैं कार भी चला लूंगी ठीक है चलो ठोकना भी नहीं आ रहा अब हम जाने वाले रेलगाड़ी में इनके डिमांड पे पहले इसमें जाना परिषद जी ने बोला कैसा लगा दीदी 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 को मारा दीदी के उससे नहीं जाएंगे हम मार डर लग गया बच्चों वाला बोल रहे थे इसमें तो लिटरली तो अब हम दूसरे वाले में जा रहे हैं जिसमें और ज्यादा वो है बजने वाली हाँ उसमें जाएंगे पहले इसमें यार इसमें कौन बनाएगा हमारी वीडियो वहाँ पे भैया है भैया से बना ले और अच्छी बात यह है कि सिर्फ हम चारों के लिए भी झूला चल रहा है चल फोटो खींचे मस्त मजा बैठ के लिटरली उल्टी जैसा मन हो गया छी मोटर में और उल्टी जैसा मन हो गया उसमें बैठ के है ना पानी की बोतल का है बैग में लग रहा है कि ये पैसा वसूल राइड हो रही है हमारी सच्ची यार पहले लग रहा था कि इन्होंने लूट लिया पर सच्ची यार इतने ज्यादा झूले कौन फ्री में रखता है इतने ज्यादा और जितने मर्जी उतना झूलो और इतने वैरायटी के इतने तो मेले में भी नहीं होते है ना अब अगर मेले में झूलते ना 100-100 रुपए निकाल के यहीं पे घूमने आओ और सब कुछ ₹1000 में सब खाने के लिए तो देना पड़ेगा है ना तो क्या होगा खाने में तो मेले में भी घुमाते हैं बहुत अच्छा था यार वैसे फुल पैसा वसूल है आप भी आओ कभी झूले जो मेले में भी नहीं होते झूले में जाएंगे जाओ गाइस अब दूसरे वाले में जा रहे हैं ठीक है दूसरा तो नहीं बोल सकती चौथा ही बोल सकती है चौथे झूले में इतना फ्री के झूले मिले इतने झूले एक्साइटेड में अब झूला निकल रहा है बाहर पूरा पेट की ऐसी कम तैसी हो गई यहाँ है ना नहीं आना नहीं हम नहीं इसको तो अभी भी बैठना मेरे को नहीं बैठना अब अभी तो मुझे गाड़ी भी चला के जाना है तो यार।
उल्टी, इतने भी पैसे मत वसूल करना हमारे जैसे लेने के देने पड़ जाएंगे। बस हम आ रहे थे और मुझे क्या दिख रहा है, पैसे सुनो उठा, मैंने बोला पैसे सुनो उठा, पैसे पैसे उठा, ये ऐसे देख रहे उठा नहीं, पहले इधर उधर देख, प्रैंक तो नहीं कर रहा, प्रैंक नहीं कर रहा दीदी, कैमरा तो नहीं लगा भाई, गाइस पैसे मिले 100 रुपए, ओ माय गॉड, चल इससे जूस पिएंगे बाहर जाके, चलो यहां से चलो गाइस, जूस पीने का जुगाड़ तो हो गया, पैसे मिले, गाड़ी आ चुकी है, पूरे अब 5 बजने वाले हैं और अब हम घर जा रहे हैं, और अभी बस बाहर जाके थोड़ा कुछ खाएंगे फिर हम निकलेंगे। और गाइस आप भी आओ, इसकी लोकेशन है डोई वाला से जस्ट थोड़ा सी आगे इधर को ऋषिकेश वाले रोड पे, वन वैली है ना, कैसा लगा आपको अपना एक्सपीरियंस बताओ? स्टार्टिंग में लगा कि लूट मची है लेकिन बहुत ठीक है ना, क्या बोलती है किरण, आपको भी आना चाहिए यहाँ पे यार, क्या फ़ायदा इतना नौकरी करके कुत्तों की तरह दिहाड़ी मजदूरी करके, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो और घूम लो यार, पैसे खर्च करो थोड़ा। गाइस तो आ चुके हैं हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जो कि है अब अफगानी पर अंगेठी, दूसरा वाला अंगेठी, आज मैं इनको भी लेके आई हूँ, तो आज आप बताना यहाँ का टेस्ट कैसा है, ठीक है? तो फटाफट हमने ऑर्डर किया है, हम यहीं पे आ रहे हैं, बताएंगे एक साल, हाँ एक साल से हम, मैंने ही बताई थी गाइस इनको ये जगह, अच्छा हमारे, तो चलो अभी फटाफट खाते हैं और खरीदते। हमारा ऑर्डर खरीद था पनीर नूडल और पनीर टिक्का। अच्छी जी गाइस ये लौंडा मैं ही हूँ। तो गाइस आ चुके हैं हम मीनू के लिए यहाँ पे चाट लेने, वो भी यहाँ रायपुर, रायपुर रोड में, आपने देखा तो होगा ये यहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी और लकली हमें यहाँ पे चाट मिल गई, वरना मेरी बहन ने फ़ोन पे इतना सुना दिया था मत लेके आओ तुम यहाँ फना ढूंढा ना, लकली मिल गई, सो गई थी तो हमें यहाँ तक आना पड़ा। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम घर और बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है, मैं तुम्हें बता दूँ और इतनी काली हो गई ये कली, ये चोट देखा ना वहाँ पे, और हम अभी मीनू को बता रहे थे कि कितना मज़ा आया हमें वहाँ। मीनू बताओ क्यों नहीं आई, बता तू ही बता, क्योंकि इसको शेरों को कौन देखेगा घर में, इसलिए ये नहीं आ पाई। तो कोई बात नहीं, तू अपना हमारा ब्लॉग देखना ठीक है, और आप भी देखना, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और ये और अपने फैमिली के साथ आप पक्का जाना, फैमिली के साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, पर जाओ यार अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, और मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना, सबका सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? बाय बाय गाइस।